ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। कक्षा 10 की जो अध्याय फर्स्ट है, जिसका नाम है अपना वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, उसकी प्रश्नावली 1.2 या फिर उदाहरण का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल कर लिए हैं अपनों ने। उससे पहले मैंने सारी परिभाषाएं आपको समझा दी है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सभी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो अपन सिद्ध कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें, बहुत सारे क्वेश्चन, कल भी एक क्वेश्चन किया था अपनों ने इस वीडियो से पहले, है ना। अब आज हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो तो इसको कैसे सिद्ध करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो, सबसे पहले मानो, यहाँ पे पहली स्टेप में लिखना है माना 3√2, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेना है कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा मानना है। देखो, अपनों को सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो मान लेना है कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में परिमेय संख्या की परिभाषा, तो यहाँ लिखना है, हम जानते हैं, यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ, है ना, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये पी और क्यू क्या होते हैं, पी कोमा क्यू दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं है, तथा क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं क्यू का मान 0 नहीं है, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये सिद्ध करना है ना, सबसे पहले मान लेना है कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, मतलब पूर्णांक संख्याएं आ सकती है ना पी और क्यू में, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पर ये जो नीचे वाला क्यू होता है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसको मान लिया अपना परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको किसके बराबर लिखूंगा मैं, पी बटे क्यू को, तो मैंने इसको, ये परिमेय संख्या अपन मान ली, तो इसको मैंने लिख दिया पी बटे क्यू के ये बराबर है। ठीक है, पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है इसको, तो मैंने बराबर लिख दिया। अब देखो, ये 3 और √2 के बीच के, 3 और √2 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। ठीक है, तो ये 3 बराबर के इधर लाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। अब देखो, मैं ये 3 गुणा में है √2 के, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये ऐसे आ जाएगा √2 बराबर पी बटे 3 क्यू, पी बटे 3 क्यू आ जाएगा ना। अब देखो, ये आ गया। अब देखो, ये पी और 3 क्यू तो क्या है, परिमेय संख्या है अपनी। ठीक है, पी कोमा 3 क्यू परिमेय संख्या है, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, पी कोमा 3 क्यू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसी को, यहाँ पे पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, ये परिमेय संख्या है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो ये परिमेय संख्या है, तो इधर भी बराबर का चिन्ह बोलता है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, परंतु परंतु इधर को ये लिखने के बाद आपको लिखना है, परंतु
अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट दो क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे गलत मान लिया था। देखो सिद्ध अपनों को ये करना था, पर अपनों ने इसको परिमेय अंडर तीन अंडर दो को एक परिमेय संख्या मान ली थी ना, इस कारण ये क्या आ रहा है बराबर के इधर आ रहा, परिमेय आ रहा है ना, इस कारण वो परिमेय आ रहा है, परंतु अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है नहीं, अब जानते अतः अतः हमने जो कल्पना की थी, कल्पना की थी मतलब माना था ना अपनों ने कि तीन अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या, वो कल्पना वही तो। अतः हमने जो कल्पना की थी वह हमें असत्य प्राप्त हुई, असत्य प्राप्त हुई इस कारण। इस कारण तीन अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण तीन अंडर रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक लाइन और ऐड करके भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइनों में। ठीक है, ये अच्छी लाइन है ना, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने घटाने तथा गुणा व भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। यदि आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो एक बार और समझ लो इसको अच्छे से। देखो सबसे पहले तो मान लेना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मान लेना है, फिर परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देनी है। ये पूरी परिमेय संख्या की यहाँ से लेके सबसे पहले माना आपने और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी परिमेय संख्या की परिभाषा है। अब अपनों ने इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो इसको पी बटे क्यू मैंने बराबर रख दिया। अब ये दो क्या है या तीन क्या है, ये गुणा में है अंडर रूट दो के, तो अंडर रूट वाली संख्या को एक साइड कर लो और बिना अंडर रूट वाली को एक साइड कर लो। सिंपल सा है, ध्यान रखो आप। तो यार तो तीन को मैंने गुणा में था तो कहाँ चला जाएगा, वो भाग में, तो तीन नीचे आ गया क्यू के पास में, है ना। अब हम लोगों को पता है कि पी और तीन क्यू तो क्या है, परिमेय संख्या है, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं पी बटे तीन क्यू एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो बराबर का चिन्ह ये बोलता है ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं होती है ना। अतः हमने जो कल्पना की थी, कल्पना हमने माना था ना कि अंडर तीन अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, वो क्या थी, वह हमें असत्य प्राप्त हुई। इस कारण तीन अंडर रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे एक ऐड करने में इंपॉर्टेंट लाइन भी लिख सकते हो कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने घटाने तथा गुणा भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यदि आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तीन नंबर का है तो तीन नंबर में तीन नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में भी आया होगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक यू।